चलो क्वेश्चन नंबर फोर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर अतरंगी इस बात का है, वो बोल रहा है कि टेंजेंट में, अगर मैं रफ डायग्राम बताऊं तो वो बोल रहा है कि देखो एक पॉइंट लो O और टेंजेंट पे एंगल आपस में बनना चाहिए 60 डिग्री। मतलब देख आपस में क्या बनेगा मुझे नहीं पता, बट मुझे ये बात पता है कि ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होता है 180। तो इसका मतलब आपको रेडियस और इसके बीच में कितना एंगल चाहिए 120, एंगल चाहिए 120। गॉट इट? तो वो आपको बोल रहा है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट उसको कितना चाहिए 60 डिग्री। बुक में एंगल बिटवीन टेंजेंट ये जो ये है ई ए और पी बी के बीच में उसको एंगल कितना चाहिए 60। तो उसको एंगल ओ कितना होना पड़ेगा 120। एंगल ओ कितना होना पड़ेगा 120। अब देखो ऐसे में अगर ऐसा बनाना है फिगर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो एक सर्कल बनाओ रेडियस 5 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। अगर अपन बात करें तो अगर मैं अच्छे से बात करूं कि एक सर्कल बना लो ऑफ रेडियस कितना, सर वहां से एक ऐसा रेडियस खींच दो किसी भी डायरेक्शन में, इसको इधर खींच दो अच्छा रेडियस। अब यहाँ पे लगाओ डी का निशाना जो अपन पेंसिल से करते हैं ना, तो रेडियस 5 का बन गया हो तो टेक जो आपका राउंडर है, राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रखो और एक छोटा सा डी बनाओ। ऐसा डी बनाना आता है क्या? क्लास 9th में बनाते थे अपन लोग। तो सर अगर आपने कोई भी रेडियस कट, एनी रेडियस, एक डी बना दो छोटा सा, ऐसे से लेके ऐसे बनाना आता है सबको, हाँ कि ना? छोटा सा रेडियस लो, ऐसा डी बना दो। सर ऐसा डी बनाने के बाद इस वाले पॉइंट से अगर पहली आग काटोगे तो 60 आएगा और दूसरी आग काटोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो जहां दूसरी आग कटे वहां कितना कर दे 120, जहां दूसरी आग कटे वहां कितना कर देना 120 डिग्री। ओहो, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपसी एंगल कितना बन गया 120। सर एक बार छोटा सा रिपीट, तो मैंने बोला देख सर्कल बनाया, रेडियस बनाया, रेडियस पे था छोटा सा डी बनाया, पहला 60 और दूसरा कितना 120। ऐसे में तेरा सेंटर पे कितना बन गया 120, सेंटर पे कितना बन गया। अब मुझे कोई छोटी सी बात बताए, अगर किसी को इस वाली लाइन पे क्या 90 डिग्री बनाना आता है क्या इस वाले से? सर क्या करोगे? यहाँ पे अगर मेरे को 90 बनाना हो तो सबसे पहले तो मैं इस पे ऐसा लूंगा, ऐसा डी बनाऊंगा, ठीक है ना? और डायरेक्टली अगर 90 बनाना हो तो यहां से क्या करो, इस वाले पॉइंट से नाम लो और मोर देन हाफ एक आग काट दो, इस वाले पॉइंट से एक नाम लो और मोर देन हाफ, तो ये जो बन जाएगा ना ये अप्रोक्स 90 बन। सर आपने क्या करा? मैंने तो ये करा इस वाले पॉइंट से मोर देन हाफ लिया, मतलब यहाँ तक का डायमीटर लिया और एक आग काट दी, इस वाले पॉइंट से मोर देन हाफ लिया और एक आग काट दी, तो सर ये जो बन गया वो कितना बन गया 90। सर एक बार फिर से, एक बार फिर से, चलो ए से बना, ए से ये ऐसा डी बना लो ए पे, फिर इस वाले पॉइंट से मोर देन हाफ लो एक आग काटो, इस वाले पॉइंट से मोर देन हाफ लो एक काटो। और सर अगर अपन बात करें तो ये बन रहा है 90। ओए होए होए, पी मिल गया। तो क्या सर ये ट्राइंगल है? हाँ आप चेक कर लो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंगल कितना आया होगा 60 आया होगा, क्योंकि यहाँ पे अपना कितना बन गया है 90, यहाँ पे भी अपना कितना बन गया है 90 और यहाँ पे कितना बन गया है 120। तो स्मार्ट रिकैप लो, तो आप बच्चों को अगर स्मार्ट रिकैप चाहिए तो आपको रिकैप क्या बोलता है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना बोले 5 सेंटीमीटर, यहां से एक रेडियस बनाया, इस पे ऐसा डी बनाया, डी से एक आग दूसरी आग, तो यहाँ पे कितना हो गया 120। ये आपके पास ओ बी है और वो आपके पास क्या है ओ ए। तो सर ठीक है, एक तरफ ओ बी है और एक तरफ क्या है ओ ए, जो कि कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं बोलूं ऐसा करके यूं बनाया है डी, तो मोर देन हाफ एक आग, यहां से मोर देन हाफ एक आग, ये जाएगा ऐसा, यहां से डी बनाया, इस वाले पॉइंट से मोर देन आप एक आग, इस वाले पॉइंट से मोर देन आप एक आग,
इन शॉर्ट सर यहां से क्या बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए, मतलब इधर से भी 90 बनना चाहिए, उधर से भी क्या बनना चाहिए, 90। अगर आप ये बना गए तो ऑटोमेटिकली आप जो मिलेगा वो पी मिल जाएगा, जो कि अपने आप में आपका सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, वो बोल रहे हैं ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हमने बना दी ए बी कितने सेंटीमीटर की, 8। ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ कितना सेंटीमीटर भाई, 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से ए से लो और यहां से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो, तो सर 4 सेंटीमीटर कहां तक आएगा, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स अप्रोक्स यहां तक आएगा, यहां से एक सर्कल। टेकिंग ए एज सेंटर 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो, टेकिंग बी एज सेंटर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो। मैंने बोला ठीक है, टेकिंग बी एज सेंटर कितने सेंटीमीटर का सर्कल बना दो, बी, तो कितना हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर का सर्कल। टेकिंग बी एज सेंटर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो। ठीक है, अब आपको ये बोला है कि ड्रॉ कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ईच ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आपका एक सेंटर है और दो सेंटर क्या है, बी। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, ए बी का लो, मोर देन हाफ लो, एक का काटो, मोर देन हाफ लो, एक का काटो, जूम जूम। अगर मैं बात करूं तो यहां से मोर देन हाफ करके एक पॉइंट निकाल लो जिसका नाम होगा एम। किसका नाम होगा, एम। तो क्या सर वहां तक हम कर लें क्या, मैंने बोला हाँ यहां तक आप कर लो। तो सर आपने क्या करा, ए से लिया मोर देन ऑफ एक आर्क, मोर देन ऑफ एक आर्क, मोर देन ऑफ एक आर्क, तो आपने एम क्या आ गया आपके पास, मिड पॉइंट। टेकिंग ओ ए एस सेंटर, ओ ए एस रेडियस, जो कि नॉर्मली 4 ही आएगा, एक बड़ा सा सर्कल बना दो। क्या बना दो, सर्कल बना दो। अभी सर तलवारें चलाते हैं, तलवारें मतलब यहाँ पे आपको नाम मिल गया, तो ध्यान रखिएगा P Q, इसको नाम दे दो R S। अब इसके सेंटर से उस पे तलवारें, उसके सेंटर से इस पे तीर, चले ये B P, ये B Q, ये S, ये ए आर। तो सर आपने करा क्या, मैंने इसके सेंटर से, मैंने इसके सेंटर से उस पे तीर चलाए, देखो, और इसके सेंटर से उस पे तीर चलाए। समझ में आया क्या, इसके सेंटर से उस पे तीर, उसके सेंटर से इस पे तीर, ठीक है ना। क्या सर यही टेंजेंट बनाना था, तो आपने बैंगल से क्या बना लिया, सर्कल। बैंगल से क्या बना लिया, हमको नहीं पता किसी भी रेडियस का, आप तो किसी भी रेडियस का सर्कल बना लेना, तो किसी भी रेडियस का अगर आपने सर्कल बना लिया, आपको बोला टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको सेंटर नहीं पता है, तो सर पहले अपने को सेंटर लोकेट करना पड़ेगा। तो सर अगर आपने एक सर्कल बैंगल से बनाया, किससे बनाया, तो आपको सेंटर तो नहीं पता, तो सर सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक कॉर्ड खींच दो यहाँ पे ए बी, और एक कॉर्ड खींच दो यहां से ऐसी सी डी, कुछ भी खींच दो, दोनों कॉर्ड्स, एक ए बी और एक क्या सी डी, हाँ कोई सी, कोई सी, एक तरफ से ए बी, एक तरफ से क्या सी डी, लो इसका मोर देन ऑफ एक आंख, मोर देन ऑफ एक आंख, मोर देन ऑफ, सर इससे एक परपेंडिकुलर बना दो, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर सर इससे सी डी से भी क्या लो, मोर देन ऑफ एक आंख, डी से मोर देन ऑफ एक आंख, मोर देन ऑफ एक आंख, सर ये से भी एक परपेंडिकुलर खींच दो,